चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में मिली हार के बाद चंडीगढ़ कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही। भले ही पार्टी के नेता गुटबाजी पर खुलकर ना बोल रहे हों, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में साफ जाहिर है कि चंडीगढ़ कांग्रेस में मनमुटाव है। चंडीगढ़ में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव सिर पर हैं, लेकिन चंडीगढ़ कांग्रेस के नेता चुनाव की तैयारी करने की बजाय आपस में उलझे हुए हैं। दरअसल 45 साल बाद चंडीगढ़ के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले 1972 में ही अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई थी। अब तक पार्टी के बड़े नेता खुद नाम रिकमेंड कर कांग्रेस हाईकमान को भेजते थे और पार्टी उस नाम पर मुहर लगा देती थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। वजह है चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में मिली हार। चंडीगढ़ कांग्रेस में मनीष तिवारी और पवन बंसल के बीच गुटबाजी मानी जाती है, और जब से नगर निगम चुनाव में हार मिली है तब से दोनों गुट के बीच शब्दों के जरिए वार पलटवार किए जा रहे हैं, और यही वजह है 45 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। देखिए, इलेक्शन तो हर 5 साल के बाद या 3 साल जो भी टेन्योर फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू एक्ट होता ही होता है, लेकिन वो इलेक्शन यूनानिमसली हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कोई कि कभी ये चुनाव जरूरी होना है, ये तो हाईकमान की मर्जी है। अगर वो कहेंगे यूनिट से लेके ऊपर तक सारा इलेक्शन करवाना है तो वी आर रेडी फॉर दैट। तो हम नहीं चाहते हैं अभी टोटल फेयर इलेक्शन हो जाए, बेशक यूनियन सबसे कंसल्ट करके हों, लेकिन एक डेलीगेट सारे हैं, वो सारे तबके से चुन के आए, जो उनका बैकग्राउंड देखा जाए। ये नहीं है किसी ने कहा सिर्फ एक कोई बंदा है वो सिर्फ एक एक एरिए से 100-150 कॉपी भर के ही आ गया, उसका बैकग्राउंड भी देखा जाए। पार्टी में आज की डेट में बैकग्राउंड तभी हमारी पार्टी नहीं देखा 400 से 44 सीटों पे आ गई, यही रीजन थे। चंडीगढ़ में भी कहां सीटों से कहां पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि 15 मई तक पार्टी का सदस्यता अभियान खत्म हो जाएगा, इसके बाद स्क्रूटनी होगी, फिर बूथ समितियों के चुनाव होंगे, फिर ब्लॉक समितियों और जिला स्तर पर चुनाव होंगे, और आखिर में प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव होंगे। ये पूरा प्रोसेस 25 सितंबर तक चलेगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरार के लिए वोटिंग होगी, जबकि जनरल सेक्रेटरी को चुने गए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही नॉमिनेट किया जाएगा। नीतिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़।